सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम फ्री फायर आईडी में टॉप अप कैसे कर सकते हैं फोन पे की मदद से, और वो भी बहुत ही आसान वे में। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों को पता नहीं है कि फ्री फायर आईडी में कैसे टॉप अप किया जाता है, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लास्ट तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग फ्री फायर आईडी में टॉप अप कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग इस आईडी में देख सकते हैं, यहाँ पे एक एयर ड्रॉप भी आया हुआ है, जिसको कि मैं ले करके आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप जो है फ्री फायर आईडी में टॉप अप कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो भी रिचार्ज आपको करना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मान लीजिए कि हमको इसको इस एयर ड्रॉप को लेना है, जैसे हम इस एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे पैसा आ जाता है कि कितना हमको लगने वाला है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली सा रिचार्ज यहाँ पे जो है पैसे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एयर ड्रॉप इतना करके, और यहाँ पे जो है भीम यूपीआई मेरा सिलेक्टेड है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली सा जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा अगर आप लोगों ने पहले से इसमें भीम यूपीआई नहीं डाला हुआ है। आप लोगों को सिंपली सा क्या करना है, नीचे आना है, स्क्रॉल करते जाना, स्क्रॉल डाउन करते जाना, और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड बैंक अकाउंट विथ भीम यूपीआई आईडी। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको जो है अपना यूपीआई आईडी डाल देना है। यूपीआई आईडी क्या होता है, फोन पे का यूपीआई आईडी डालना, मतलब कि आप लोगों को सिंपली से अपना फोन पे को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने फोन में फोन पे को ओपन करें, फोन पे को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग अपने फोन में फोन पे को ओपन करेंगे, तो आप लोगों को अपना जो यूपीआई आईडी है वो देखने के लिए यहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर टच करना होगा। जैसे आप प्रोफाइल के ऊपर टच करेंगे, उसके बाद आप लोगों का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और नीचे में यहाँ पे दिख जाएगा यूपीआई आईडी। तो जैसे आप यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यूपीआई आईडी यहाँ पे दिख जाएगा अंदर में। तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरा यूपीआई आईडी का बहुत मिसयूज हो सकता है। फोन पे में अपना यूपीआई आईडी देख लेने के बाद आप लोगों को सिंपली से अपना फ्री फायर को फिर से अगेन ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना जो यूपीआई आईडी है वो डाल देना। जैसा कि आप लोग वहाँ पे देख लेना, जो भी आपका यूपीआई आईडी होगा उसको सिंपली से क्या करना, यहाँ पे डाल देना। मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, @ डालना है और लास्ट में डालना है YBL। ये फोन पे का जो है ये होता है यूपीआई आईडी के लास्ट में लगता ही लगता है, तो आपको लास्ट में YBL डाल करके इसको टिक कर देना। कुछ इस प्रकार का यूपीआई आईडी हो जाता है, शुरू में मोबाइल नंबर, बीच में @ और लास्ट में YBL होता है। और फोन पे का जो यूपीआई आईडी होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है कि आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है, जो आपने बैंक में रजिस्टर कराया वो मोबाइल नंबर होता है, और उसके बाद @ और YBL होता है। ये डालने के बाद आप लोगों को सिंपली सा ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैंने पहले से ऐड कर रखा है, तो हम सिंपली सा क्या करते हैं, यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे भीम यूपीआई आईडी मेरा, ये मोबाइल नंबर है मेरा, और लास्ट में @ YBL है, जिसको हम क्लिक सेलेक्ट करके उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, सिंपली सा यहाँ पे टैप टू बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ इस प्रकार का प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद जाकर के जो है आपके आपके फोन में जो है कुछ इस प्रकार का टाइमिंग चलेगा 5 सेकंड का, और साथ ही साथ आपके फोन पे में जो है ये आ जाएगा पे का ऑप्शन। तो आप लोगों को अपना फोन पे को चाहे तो आप ओपन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे फोन पे को आप लोगों को ओपन करके दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे फोन पे को ओपन करके बैक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाता है कि 90 रुपये का जो रिक्वेस्ट है वो डाला गया, जिसको हम पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंपली सा क्या करते हैं, ये हम फोन मतलब कि पंजाब नेशनल बैंक से हम कटाने वाले पैसा, तो हम सिंपली सा सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका कोड है वो यहाँ पे आपको डाल देना। जैसा कि मेरा ये कोड है, तो हम यहाँ पे ये कोड डाल देते हैं। कोड डालने के बाद सिंपली से क्या करना है, हमको यहाँ पे सही वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सही वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये प्रोसेसिंग पेमेंट ऑफ 19 रुपीज़ का जो ये आ रहा है ये सक्सेसफुल हो चुका है। चलिए हम अगेन फोन पे मतलब कि फ्री फायर को ओपन कर लेते हैं। जैसे हम फ्री फायर को ओपन करते हैं, तो ये कुछ सेकंड चलता रहेगा, क्योंकि ये अप्रूव होने में थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ये सक्सेस हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए मेरा पैसा कट चुका है, और साथ साथ यहाँ पर रिचार्ज भी देखिए पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, और बहुत ही आसान वे में ये हो चुका है। देखिए ये आ चुका है टॉपअप, मतलब कि ये जो मेरा एयर ड्रॉप है वो कंग्रेचुलेशन करके यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन भी आ गया। जैसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आ गया है सक्सेसफुली 200 डायमंड, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम यहाँ पर हटाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 203 डायमंड हो गया। अगर आप लोग शुरू में देखे होंगे तो मेरे वीडियो में 3 डायमंड ही आप लोगों को देखने को मिला होगा। अगर नहीं होता है विश्वास, तो आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पे 3 डायमंड दिख रहा होगा, और अभी यहाँ पे 203 डायमंड दिख रहा है, जो कि मैंने अभी टॉपअप किया है, और यहाँ पे मेरा जो एयर ड्रॉप था वो भी यहाँ से चला जा चुका है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ साथ हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।